रिहर्सल के खत्म होने के बाद वो तीनों खाना खाने के लिए बाहर गए और फिर अपना मेकअप लगाने लगे और अपना स्टाइल सेट करने लगे। नाइट ऑफ स्टारलाइट की तैयारी अब शुरू होने जा रही थी। जब वो अपनी स्टाइलिंग में बिजी थे तो कबीर ओबेरॉय इम्पेशेंटली दोबारा माही के आसपास घूमने लगा। उसने माही की तरफ देखकर उससे कहा, अब माही, क्या तुमने आज रात के लिए अपना गाउन चुन लिया है? तुम आज रात क्या पहनने वाली हो? मुझे अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारी पुतली प्रिया कपूर कोई विंटेज गाउन पहनने जा रही है जो किसी शहजादी की हुआ करती थी। उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। उस गाउन के एक दिन का रेंट ही 8 करोड़ है और हमारी टीम इस वक्त उस चीज का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। हालांकि कबीर ओबेरॉय ने इतना कुछ बोल दिया था, मगर माही ने अपने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अच्छा। माही का ऐसा रिएक्शन देखकर कबीर ओबेरॉय काफी इरिटेटेड लगने लगा और उसने कहा, अच्छा क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए ना, आखिर तुम आज रात को क्या पहनने वाली हो? माही ने कैजुअली जवाब देते हुए कबीर से कहा, मैं तो सिर्फ एक सैक पहनकर आ जाऊंगी। ये सुनकर कबीर ओबेरॉय की बोलती बंद हो गई और उसने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ पर इस लड़की से सीरियस बात कर रहा हूँ, मगर इसके मजाक तो कभी खत्म ही नहीं होते। मैं तो थक चुका हूँ। अब मुझे समझ आया कि महेंद्र को कैसा महसूस होता होगा जब मैं उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता। शाम के 8 बजे नाइट ऑफ स्टारलाइट की सेरेमनी फाइनली शुरू हो गई। हर कोई लाइव स्ट्रीम की वेबसाइट और अपने टेलीविजन के सामने बैठ चुका था और अपने चहेते आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। रेड कार्पेट पर सारे सुपरस्टार काफी ब्राइट लग रहे थे। हर तरह के बिग शॉट ने अपना ऑटोग्राफ साइन किया और एक के बाद एक वेन्यू के अंदर जाने लगे। सोनाली गांधी ने एक बड़े से ब्रांड की बेहद खूबसूरत गाउन पहनी हुई थी जो कि उस ब्रांड का सिग्नेचर डिजाइन था। उस गाउन में सोनाली काफी खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी। दोनों होस्ट ने सोनाली को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उससे कहा, आज सोनाली काफी खूबसूरत लग रही है। हाँ, ये गाउन तो इस साल का सिग्नेचर डिजाइन है और मैंने आज से पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी और सेलिब्रिटी को इसे पहने हुए नहीं देखा है। अगर बात पहले की होती तो अपनी तारीफ सुनने पर सोनाली को काफी खुशी होती, मगर अब वो काफी नाराज लग रही थी। ये बात बिल्कुल सच थी कि जो ड्रेस सोनाली ने पहनी हुई थी वो काफी प्रेशियस थी, मगर ये ड्रेस उसे सिर्फ इसीलिए मिली क्योंकि प्रिया कपूर ने उस ड्रेस को रिजेक्ट कर दिया था। ये गाउन सोनाली की इमेज और ऑरा को सूट भी नहीं करता था, मगर उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। इसके बारे में सोचते हुए सोनाली ने मन ही मन में कहा, पहले जब मैं ग्लोरी वर्ल्ड में थी तब रतन जी मेरे लिए सब कुछ ऑर्डर में तैयार करते थे और हर एक चीज का ध्यान रखते थे। वो हमेशा मेरे लिए सबसे सूटेबल आउटफिट ही चुनते थे, मगर जब से मैं स्टारलाइट के साथ काम करने लगी हूँ, उनके सारे बेहतरीन रिसोर्सेज, उनकी सारी रैंकिंग, यहाँ तक कि हर एक गाउन बिना सोचे प्रिया कपूर और बाकी एलिस्टर को ही दे दिया जाता था। स्टेज के लेफ्ट साइड की बड़ी सी स्क्रीन पर वोट्स के लाइव अपडेट डिस्प्ले हो रहे थे। जब सोनाली गांधी ने अपना नाम उस लिस्ट के सबसे नीचे देखा तो वो काफी अपसेट लगने लगी। फिर सोनाली ने देखा कि उसके साथ आई दूसरी आर्टिस्ट भी प्रिया के नीचे दबी हुई थी और हमेशा के लिए नंबर 2 पोजीशन पर रहने लगी, तो इसमें वो कोई शिकायत नहीं कर पा रही थी। ठीक उसी वक्त सोनाली ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की कि वो किसी से टकरा जाएगी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सारिका शुक्ला थी। सोनाली ने हैरान लगते हुए कहा, सारिका जी आप? हालांकि सारिका इस बात के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थी कि वो ऐसे ओकेजन पर सोनाली से जरूर टकराएगी, मगर सोनाली को अपने सामने देखकर वो काफी परेशान लगने लगी और उसने किसी तरह मुस्कुराकर कहा, हेलो सोनाली। सोनाली ने देखा कि सारिका ने एक डार्क लो प्रोफाइल गाउन पहना हुआ था और वो ऐसे ओकेजन पर सारिका को देखकर काफी सरप्राइज लगने लगी और उसने कहा, तो ये सच में आप ही हो? मुझे तो लगा कि मैंने किसी और को आप समझ लिया था।
सोनाली को इस बात की ज्यादा हैरानी थी कि सारिका शुक्ला के स्टेटस को देखकर उसे ऐसे फंक्शन में शामिल होने की इतनी ज्यादा हिम्मत हुई। हालांकि सोनाली इस बात का जवाब अच्छी तरह से जानती थी, मगर उसने सारिका से पूछा, क्या आप भी यहाँ पर इवेंट में शामिल होने आई हो? सारिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं भी थोड़ी सी मस्ती करने यहाँ आई हूँ। सारिका ने सोनाली को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसे इंडस्ट्री में आए कुछ साल हुए थे, जिसकी वजह से सोनाली उसे सीनियर के ओहदे से पुकार रही थी, मगर इसके बावजूद भी सारिका एक सी लिस्टर आर्टिस्ट थी और इंडस्ट्री में उसका कोई वजूद नहीं था। सोनाली ने सारिका की तरफ देखा और उसने एक गहरी सांस लेकर उससे कहा, सारिका जी, मैं आपसे ये कहना नहीं चाहती थी, मगर हालांकि आपकी पॉपुलैरिटी कुछ खास नहीं है, मगर क्योंकि मैंने और बाकी आर्टिस्ट ने आपकी कई जगह पर बहुत तारीफ की, इसीलिए स्टारलाइट की टीम आपको हमारे साथ इंक्लूड करने के लिए तैयार हो गई थी, मगर आपने तो हमारी काइंडनेस को अप्रिशिएट भी नहीं किया। अब आप ही बताओ कि ग्लोरी वर्ल्ड में रहकर आपका क्या हो सकता है? कहीं आप अभी भी अपनी आंखें बंद करके उस रतन की बातों में तो नहीं आ रही हो ना? कहीं वो आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आपकी काबिलियत से आप औरों को हरा सकते हो? आपका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है और आप मुझसे और प्रिया से भी काफी बेहतर हो। उसने तो जरूर ये भी कहा होगा कि एक अच्छा मौका मिलने के बाद आप हर जगह छा जाओगी। मैंने सही कहा ना? सोनाली गांधी ने हंसकर सारिका शुक्ला से कहा, आप तो सच में बहुत ज्यादा फूली हो। माही के वापस लौटने के बाद सारी अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली उसी के पास जाएंगी। क्या आपको अब भी लगता है कि आपको कुछ करने का मौका मिलेगा? इतना कुछ सुनने के बाद भी सारिका शुक्ला अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रही। आज सारिका इस इवेंट पर एक बहुत ही खास मकसद से आई थी। वो किसी भी हाल में माही और रतन को निराश नहीं करना चाहती थी और ना ही किसी बात का बखेड़ा खड़ा करना चाहती थी। सोनाली पहले बहुत ज्यादा अपसेट थी, मगर अब जब उसने देखा कि सारिका की सिचुएशन कैसी थी और इतना कुछ होने के बाद वो उसे पलटकर कोई जवाब भी नहीं दे रही थी, तो सोनाली को अचानक बहुत बेहतर महसूस होने लगा। ठीक उसी वक्त लड़कियों की एक्साइटमेंट भरी आवाजें और चीयर्स के बीच कबीर ओबेरॉय ने अपनी एंट्री की। फैन मीटिंग के दौरान कबीर ओबेरॉय के कैजुअल लुक के कंपैरिजन में इस वक्त कबीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने सर से लेकर पैर तक खुद को काफी केयरफुली तैयार किया था। उसके कस्टमाइज्ड टक्सीडो सूट से लेकर उसके हाथ के रिस्ट वॉच तक, यहाँ तक कि उसके शर्ट के बटन भी क्राफ्ट के मास्टर के हाथों से बनाए गए थे। कबीर के पूरे आउटफिट की कीमत कम से कम 10 करोड़ की थी। कबीर पहले से ही काफी हैंडसम था, मगर उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए इस पूरे आउटफिट को देखकर वहां मौजूद लड़कियां और तेजी से चिल्लाने लगी और अपनी एक्साइटमेंट को काबू नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि अब तक किसी और मेल आर्टिस्ट को या फिर किसी और लड़के को लोगों से इतनी एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुई थी। कबीर ओबेरॉय की ऐसी स्टनिंग एंट्रेंस से बड़े से स्क्रीन पर कबीर के नाम के नीचे के सारे वोट्स तेजी से भरने लगे। हालांकि उसने अपनी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अचीव कर लिया था, मगर अंदर ही अंदर कबीर बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसने नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, मैं उस लड़की माही से बात कर रहा था, मगर बीच में ही उसने मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया और अब मैं ये नहीं जानता कि वो लड़की आज क्या पहनने वाली है। ये तो सच में बहुत गलत हो रहा है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं माही की माँ बनने की एक्टिंग करने लगा हूँ? कबीर अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक कबीर की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने देखा कि प्रिया कपूर की एंट्री हो रही थी। प्रिया को देखकर कबीर ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की टीम ने इस बार वाकई में अपनी जान लगा दी है। प्रिया ने जो विंटेज गाउन पहना है, अगर कोई ना भी देखे तब भी जो पर्ल ब्रेसलेट उसने अपने कलाई में बांधी है वही कम से कम 10 करोड़ की होगी। यहाँ तक कि जो इयररिंग्स उसने पहनी है उसकी भी कीमत करोड़ों में होगी। अगर किसी गधी ने भी ये सब पहना होता तो वो भी काफी खूबसूरत लगती। इतने पैसे खर्च करोगे तो उसका इफेक्ट तो नेचुरली दिखेगा ही ना।
प्रिया कपूर की एंट्रेंस से भीड़ में मौजूद सारे लोग हैरानी के मारे उसकी तरफ देखने लगे। होस्ट ने तुरंत उसे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू किया और प्रिया के पहने हुए हर एक आइटम को डिटेल में कॉम्प्लीमेंट करने लगा, जिसकी वजह से वहां मौजूद बाकी सारी फीमेल आर्टिस्ट प्रिया से जलने लगी। उन्होंने आपस में कमेंट करते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि आखिर प्रिया ने ग्लोरी वर्ल्ड को छोड़कर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट को क्यों ज्वाइन कर लिया। वो तो पहले से ही शान और शौकत के पीछे पड़ी थी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ नाइट ऑफ स्टारलाइट की सेरेमनी के लिए ही उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च कर लिए। मगर इस बात की तो मुझे पहले से ही उम्मीद थी। माही सिन्हा वापस लौट आई थी और उसने पब्लिकली प्रिया को कई बार ह्यूमिलेट भी किया। अगर आज भी प्रिया माही से पीछे रह गई तो वो किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं होगी और स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की टीम ऐसा कभी नहीं होने देगी। मगर माही अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई है? मैं देखना चाहती हूँ कि आज वो क्या पहनने वाली है। हालांकि ग्लोरी वर्ल्ड की काबिलियत स्टारलाइट टीम की काबिलियत से कंपेयर नहीं की जा सकती, मगर अपना कमबैक करने का ग्लोरी वर्ल्ड के पास ये इकलौता मौका है। उन्होंने भी इस बार अपनी पूरी जान लगा दी होगी, मगर स्टारलाइट की टीम के बड़े बजट के साथ कंपेयर करना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगता है कि इस बार ग्लोरी वर्ल्ड को हार माननी ही होगी। रेड कार्पेट पर प्रिया कपूर की पूरी एंट्रेंस देखने के बाद अब सब लोग बेसब्री से ये देखना चाहते थे कि माही आज रात अपनी ब्रेथ टेकिंग एंट्रेंस कैसे करने वाली थी। उन सारे लोगों में से प्रिया कपूर भी शामिल थी। अपने बेहतरीन लुक्स की वजह से प्रिया के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था और इसीलिए वो भी माही के अपीयरेंस को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, अब हमारी अगली गेस्ट जो अपनी एंट्रेंस करने जा रही हैं, वो हमारी गोल्डन फिल्म अवार्ड की विनिंग एक्ट्रेस हैं। प्लीज वेलकम माही सिन्हा, जिन्होंने हमें एक साल पहले छोड़ दिया था। होस्ट की अनाउंसमेंट सुनते हुए कबीर ओबेरॉय ने एक्साइटेड लगते हुए एंट्रेंस की तरफ देखा, मगर अगले ही पल वो दंग रह गया। उसे लगा कि माही जानबूझकर उसके साथ मजाक कर रही थी और उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि माही सच में इस इवेंट को अटेंड करने के लिए एक सैक पहनकर आ जाएगी। हालांकि उस सैक की कटिंग और उसका डिजाइन काफी खूबसूरत और फ्लोई लग रहा था, मगर वो वाकई में एक नॉर्मल सैक के कपड़े की स्कर्ट थी। प्रिया कपूर स्टेज के पास बैठी हुई थी और जैसे ही उसने माही को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काला पड़ चुका था। उसने काफी नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, मैंने अपने दुश्मन के साथ जंग लड़ने के लिए इतना दिमाग लगाया और हर तरीके का इस्तेमाल कर लिया, और अब जबकि मैंने अपने पूरे शरीर को अपना हथियार बना लिया तो मेरी दुश्मन यहाँ बिना किसी तैयारी के और सिर्फ एक सैक का कपड़ा पहने चली आई। ऐसा लग रहा है कि माही ये जताने की कोशिश कर रही है कि मैं उसके साथ कम्पीट करने के लायक ही नहीं हूँ। जिस आउटफिट की वजह से प्रिया कपूर को काफी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था, अब उसी आउटफिट की वजह से उसे घुटन महसूस हो रही थी और उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। थोड़ी देर तक हैरान रहने के बाद भीड़ में से लोगों की हंसी और उनके कमेंट सुनाई देने लगे। ये माही का एक किलर मूव है। एक तरफ प्रिया कपूर ने तैयार होने में अपनी जान लगा दी, वहीं दूसरी तरफ माही सिन्हा सिर्फ एक सैक का कपड़ा पहने यहाँ चली आई। उसने तो अपनी ड्रेसिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। माही तो प्रिया कपूर से काफी अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। सबकी बातें सुनकर प्रिया कपूर इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसका शरीर कांपने लगा। पिछली बार माही ने एक सिंपल सी व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर प्रिया की स्पॉटलाइट छीन ली, मगर आज से पहले प्रिया को इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। ऐसे में जब प्रिया की मैनेजर ने देखा कि प्रिया गुस्से में अपना होश खो रही थी तो उसने तुरंत उसे कंसोल करने की कोशिश करते हुए कहा, प्रिया प्लीज नाराज मत हो, तुम्हें उस चुड़ैल को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। हालांकि वो हमें नीचा दिखा रही है, मगर वो इतनी बेकार लग रही है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि माही को इस तरह देखने के बाद कोई भी फैन उसे अपना वोट देगा। हमारा आज रात का अल्टीमेट गेम सिर्फ ये रैंकिंग पॉल है। जब शो के एंड में सब ये देखेंगे कि तुम टॉप स्पॉट पर हो तो यही माही के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा होगा। ये सुनकर प्रिया ने गुस्से में अपनी मैनेजर से कहा, मैं किसी भी हाल में टॉप स्पॉट पर ही रहना चाहती हूँ।
प्रिया की मैनेजर ने तुरंत हामी भरते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल। अपनी जगह पर सेटल डाउन होने के बाद कबीर ओबेरॉय ने माही की तरफ देखकर उसे पूछा, तुम्हें आखिर ये आइडिया किसने दिया? ये सवाल सुनकर माही ने कंफ्यूज लगते हुए कबीर से पूछा, क्यों, क्या हुआ? कबीर ओबेरॉय ने जवाब देते हुए माही से कहा, तुम्हारा ये मूव सच में बहुत ज्यादा किलर है। ठीक उसी वक्त पीछे से माही और कबीर के बीच में रतन ने अपना सर घुसाया और उसने नाराज लगते हुए कहा, अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये सिर्फ किलर मूवी नहीं बल्कि सुपर ऑसम है। ना ही सिर्फ हमने इस तरह से प्रिया को गुस्सा दिलाया बल्कि हमने बहुत सारे पैसे भी बचाए। रतन की कही ये बात सुनकर कबीर ओबेरॉय ने अपना मुंह बनाते हुए उससे कहा, तुम्हारा तो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद पैसा बचाना ही है, मैंने सही कहा ना? रतन ने कबीर को जवाब देते हुए उससे कहा, तुम ऐसा नहीं कह सकते, सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सिर्फ कंपनी की खातिर करता हूँ। ये सुनकर कबीर की बोलती बंद हो गई क्योंकि रतन काफी शार्प था। कबीर ओबेरॉय ने फिर नाराज लगते हुए कहा, मगर तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा क्लासी नहीं लग रहा? अब मेरा मतलब, चाहे जो कोई भी बात हो, कम से कम तुम्हें ऑर्गेनाइजर की तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, मैंने सही कहा ना? माही ने काफी रिलैक्स लगते हुए कबीर ओबेरॉय की तरफ देखकर उससे कहा, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अवार्ड सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई है, बाद में मैं जाकर अपने कपड़े बदल लूंगी। क्योंकि कबीर ओबेरॉय माही की कही बात समझ गया तो उसकी बोलती बंद हो गई। वो समझ चुका था कि माही के बोलने का तरीका ये था कि जीतने के बाद उसे कूल बनने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। इसके बारे में सोचते हुए कबीर ने मन ही मन में कहा, क्या माही को सच में इतना एरोगेंट बनने की जरूरत है? ठीक उसी वक्त कैमरा अचानक उन पर फोकस करने लगा और माही ने तुरंत मुस्कुराकर कैमरे के पीछे खड़े सारे फैंस को ग्रीट किया। माही ने मन ही मन में कहा, एक स्माइल से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, अब मैं उन लोगों को दिखाऊंगी कि ये काम कैसे किया जाता है। बड़ी सी स्क्रीन पर यह दिखाया जा रहा था कि माही के वोट्स तेजी से बढ़ रहे थे। प्रिया कपूर के वोट्स माही से दो गुना ज्यादा थे और माही की थोड़ी सी इंक्रीमेंट की वजह से उन्हें सरपास नहीं किया जा सकता था, मगर स्टारलाइट की टीम के हाथों में जो वोट्स थे उसे पहले से ही इस्तेमाल किया जा चुका था, तो अब बेसिकली वो अपने पीक पर पहुंच चुके थे। कबीर ओबेरॉय ने सबकॉन्शियसली अपने साइड में बैठी माही की तरफ देखा। माही की सॉफ्ट और वेवी आउटफिट काफी घरेलू लग रही थी और उसके खूबसूरत खुले लहराते बालों के साथ और उसके चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट के साथ माही वाकई में अपने यूजुअल आउटस्टैंडिंग और ग्लिटरी लुक से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ऐसी हार्मलेस एनर्जी महसूस हो रही थी कि किसी का भी दिल नरम पड़ जाता। माही को इस तरह देखकर तो किसी के भी मन में उसके लिए प्यार जग सकता था और उसकी प्यारी सी और खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर तो कोई भी पागल हो सकता था। माही को इस तरह देखकर कबीर खुद को रोक नहीं पाया और उसने माही से पूछा, तुम्हारी आउटफिट, क्या ये आउटफिट भी तुम्हारे उसी डिजाइनर ने डिजाइन किया है? इसके बारे में सोचते हुए कबीर ने मन ही मन में कहा, वो आदमी तो वाकई में काफी अमेजिंग है, आखिर वो हर बार माही के इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मूविंग एलिमेंट को एक्सपोज कैसे कर पाता है? माही ने काफी प्राउडली अपना सर हिलाते हुए कबीर से कहा, हाँ ये उसकी नई डिजाइन है। ये सुनकर कबीर बहुत हैरान लगने लगा और उसने माही से कहा, इतनी जल्दी एक और नई डिजाइन? उसने तो अभी रिसेंटली ही कुछ नए डिजाइन लॉन्च किए थे ना? कबीर की कही बात सुनकर माही की आंखों में कालापन छा गया। उसने मन ही मन में कहा, जब हमने बैक टू द ओरिजिन्स को रिलीज किया और वो पॉपुलर हो गया तो हिस्ट्री ब्रांड ने तुरंत उसकी कॉपी कर ली और उसी की मिलती जुलती सीरीज बना ली। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डेविड पिछले 6 महीनों से इस डिजाइन के सीरीज पर काम कर रहा था, और तो और
उन्होंने सोल टीम पर प्लेजरिज्म का भी इल्जाम लगाया। हालांकि कुछ रैशनल कंज्यूमर्स ने ऑनलाइन रिलीज की गई सीक्वेंस को नोटिस किया और वो लोग समझ गए कि वहां आखिर क्या हुआ था, मगर सिर्फ कुछ ही लोग ये बात जान पाए थे। फॉर्चुनेटली मैंने हमेशा से ही एक कहावत पर बिलीव किया है, असली पावर मिलने से पहले हर एक स्कीम और हर एक ट्रिक यूजलेस होती है। रिसेंटली मेरे डिजाइनर ने इतनी मेहनत की जैसे कि उसे किसी डिजाइन के देवता का भूत चढ़ गया था। उसकी इंस्पिरेशन तो इजीली फ्लो आउट कर रही थी। बैक टू द ओरिजिन सीरीज के बाद उसने तो दूसरी सीरीज भी तैयार कर ली और जो आउटफिट मैंने इस वक्त पहनी है वो उसी सीरीज का एक डिजाइन है जिसका नाम लव है। अब चाहे तो वो लोग इसे भी कॉपी कर सकते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इस बार अगर उन्होंने अपनी गंदी चाल चलने की कोशिश की तो उन्हें क्या लगता है कि लोग फिर से उनकी बातों में आ जाएंगे? क्या उन्हें सच में लगता है कि लोग उतने ही बड़े बेवकूफ हैं जितना कि वो सोचते हैं? माही ने कबीर को कोई जवाब नहीं दिया, मगर कबीर समझ गया कि माही के गायब हो जाने के बाद वो डिजाइनर कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाया होगा। पर जैसे ही माही वापस लौटी तो उस डिजाइनर के इंस्पिरेशन भी वापस लौट आई होगी। ये बात तो कोई भी समझ सकता था कि माही खुद उस डिजाइनर के इंस्पिरेशन की सोर्स थी। कबीर ओबेरॉय ने फिर पीछे मुड़कर रतन घोसला की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम मुझे फिर से हमारे परफॉर्मेंस का ऑर्डर बता सकते हो? रतन ने जवाब देते हुए कबीर से कहा बहुत सिंपल है, हमारी परफॉर्मेंस चौथे नंबर पर है, तो अगर तुम लोग चाहो तो कुछ देर के लिए बैकस्टेज जाकर उसकी तैयारी कर सकते हो। ये सुनकर कबीर काफी नाराज लगने लगा और उसने कहा, ब्लडी हेल, आखिर हम इतनी जल्दी परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? हमारी परफॉर्मेंस तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए ना। कबीर ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, आमतौर पर इस तरह के शोज में जितना लेट किसी सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस होती है उतना ही हायर स्टेटस उस सेलिब्रिटी का होता है। क्या हमें चौथे नंबर पर परफॉर्म करने के लिए बोलकर ये लोग ये जता रहे हैं कि हमारा स्टेटस काफी कम है? कबीर की कही बात सुनकर रतन ने इरिटेटेड लगते हुए उससे कहा, क्या तुम ये बात भूल गए हो कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वोट्स हासिल करने आए हैं और उसके लिए हमें ज्यादा टाइम की जरूरत है? और तो और, जितनी जल्दी हमारा परफॉर्मेंस खत्म होगा उतना ही बड़ा एडवांटेज हमारे पास रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिया कपूर अपने वोट्स को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, तो इसीलिए वो आखिर में परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। होस्ट्स की ओपनिंग स्पीच के बाद स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू होने लगे। ऐसे इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस ज्यादातर नाचने गाने के ही होते थे और जैसा कि सबने उम्मीद की तो पहले की तीन परफॉर्मेंस सिर्फ नाचने गाने तक ही लिमिटेड थी। प्रोफेशनल सिंगर और बाकी दो आर्टिस्ट ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, मगर ऑडियंस और वहां मौजूद फैंस ने उन्हें ज्यादा हार्शली जज नहीं किया क्योंकि वो दोनों सिर्फ एक्टर थे और उनकी परफॉर्मेंस इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी। पहले के तीन परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑडियंस में मौजूद सारे लोग थोड़े से नम हो गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि स्टेज पर आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा था। होस्ट ने चौथी परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट करते हुए कहा, असली परफॉर्मेंस के लिए कबीर ओबेरॉय और माही सिन्हा हमारे लिए क्लासिक ऑपेरा शो द फैंटम ऑफ द ऑपेरा प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क है जिसे ऑपेरा एक्सपर्ट एंड्रयू लॉयड वेबर ने बनाया है। इसके आउटस्टैंडिंग यूज ऑफ म्यूजिक, रोमांटिक स्टोरी और बेहतरीन डांस की वजह से ये शो ऑपेरा परफॉर्मेंसेस की दुनिया का एक लेजेंड माना जाया करता है। अब चलिए देखते हैं कि ये बेहतरीन कपल आज हमें कैसी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। होस्ट की अनाउंसमेंट सुनकर ऑडियंस में बैठे लोग चीयर करने लगे और उन्होंने कहा, कबीर ओबेरॉय और माही सिन्हा, फाइनली ये दोनों एक स्टेज पर दोबारा दिखाई देने वाले हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ऑडियंस में मौजूद सारे लोग बार बार कबीर ओबेरॉय और माही के नाम पुकार रहे थे। यहाँ तक कि जो फैंस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट पर थे वो भी काफी वाइल्डली कमेंट सेक्शन को स्पैम किए जा रहे थे। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को ऑपरा शो का ज्यादा शौक नहीं था, मगर कई सारे लोग होस्ट की अनाउंसमेंट सुनने के बाद इसकी रिसर्च करने लगे और फिर सबने कॉमेंट करते हुए कहा, मैंने अभी अभी पता लगाया
कबीर तो इसी हैंडसम मैनेजर राहुल के रोल के लिए बना है। कबीर काफी कूल, हैंडसम और लविंग है, और वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लगता है कि इस शो में एक डिसफिगर्ड स्टॉकिंग भूत भी है जो क्रिस्टीन को परेशान करता रहता है और उसे उसके प्यार से दूर करने की कोशिश करता है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये दोनों एक ऑपरा शो परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। पिछली बार मेरी दोस्त मुझे जबरदस्ती एक ऑपरा शो दिखाने ले गई और वहां तो मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। कुछ देर के बाद स्टेज पर खड़ा होस्ट वहां से चला गया। साउंड इफेक्ट की शुरुआत के साथ पूरे स्टेज में अंधेरा छा गया। ऑडियंस में मौजूद सारे लोग एकदम चुप हो गए और माही के अपीयर होने का इंतजार करने लगे। स्टेज पर किसी की नरेशन चलने लगी। मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में ध्यान से और प्यार से सोचो। उस दिन के बारे में सोचो जब हमने एक दूसरे से अलविदा कहा। कभी कभार मुझे याद भी कर लिया करो, कभी कभार मेरे नाम का जिक्र कर लिया करो। एक पैशनेट आवाज के साथ स्टेज पर धीरे धीरे उजाला होने लगा। ऑडियंस में मौजूद सारे लोग बड़े ध्यान से देखने लगे और काफी हैरान लगने लगे। स्टेज पर एक लड़की मौजूद थी जो क्रिस्टीन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। उसने एक खूबसूरत मिडिवियल यूरोपियन ड्रेस पहनी हुई थी, मगर वो लड़की माही सिन्हा नहीं थी। ये देखकर लोगों ने आपस में डिस्कस करते हुए कहा, कहीं मेरी आंखों के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? फीमेल लीड की जगह पर माही सिन्हा क्यों नहीं खड़ी है? ये सब क्या हो रहा है? आखिर स्टेज पर वो लड़की कौन है? वो दिखने में तो काफी जानी पहचानी लग रही है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। क्या इन लोगों के साथ कोई गलती हो गई है? स्टेज पर तो माही सिन्हा और कबीर ओबेरॉय को होना चाहिए था ना? ऑडियंस में मौजूद सारे लोग हैरानी के मारे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर फिर अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई देने लगी, कहीं वो लड़की, कहीं ये लड़की क्रिस्टीन तो नहीं है? एक लंबा अरसा बीत गया है, इतना वक्त गुजर चुका है। उन दिनों हम कितने छोटे और मासूम हुआ करते थे। शायद अब वो मुझे याद नहीं करती, मगर मैं उसे हर रोज याद करता हूं। अपना डायलॉग बोलते हुए कबीर ओबेरॉय स्टेज पर दिखाई देने लगा। क्रिस्टीन की मीठी आवाज की वजह से राहुल ने उसकी आवाज सुनी और अचानक उसे याद आया कि जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो उसके बचपन की दोस्त थी। इस पल में सारिका शुक्ला ने ऑडियंस के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन देखा। उसने किसी तरह अपने अंदर की अनइजीनेस को दबाया और कबीर के साथ अपने डायलॉग बोलना कंटिन्यू किया। उसने कहा, उन दिनों को याद करते हुए, साथ में बिताए वक्त के बारे में याद करते हुए, उन चीजों को याद किया जो हमने कभी नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई दिन आएगा जब मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी। सारिका शुक्ला की एक्स्ट्रावेगेंट ड्रेस उसके छोटे से प्यारे से चेहरे को काफी अच्छी तरह से सूट कर रही थी और वो काफी खूबसूरती से अपने डायलॉग बोल रही थी। हालांकि ऑडियंस में मौजूद लोगों के मन में कई सारे सवाल भरे हुए थे, मगर वो चुपचाप उनकी परफॉर्मेंस को देखते रहे। स्टेज पर खड़े क्रिस्टीन और राहुल ने अपने बचपन के प्यार को पहचाना और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों मिलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे। राहुल, जिसका कैरेक्टर कबीर ओबेरॉय प्ले कर रहा था, वो खुद की फीलिंग को छुपा नहीं पाया और उसने क्रिस्टीन को अपने साथ डेट पर ले जाने के लिए पूछा, जिसके बदले में क्रिस्टीन ने तुरंत अपनी हामी भर दी। स्टेज पर जो सीन प्ले हो रहा था उसे देखकर लोगों के मन में एक मीठा सा और प्यारा एहसास छा गया। जब क्रिस्टीन कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए गई, तभी अचानक बैकग्राउंड में एक हॉलो और उदास ट्यून बजने लगी। किसी की डरावनी आवाज में कोई डायलॉग सुनाई देने लगा, शाम ढल गई, हर जगह अंधेरा हो चुका है। अंधेरे की वजह से लोगों के मन में कई सारे ख्याल उभरने लगते हैं, क्योंकि इस अंधेरी रात के गाने को मैं ही बनाता हूं। इस डायलॉग के बोलने का तरीका काफी डरावना था, जिसकी वजह से लोगों के बीच एक बड़ा सा इंपैक्ट पड़ा।
ना ही सिर्फ इसमें क्रिस्टीन का ध्यान पड़ा बल्कि वहां मौजूद सारे फैंस अपनी सांसें थामकर अपनी जगह पर सेटल डाउन हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज उन्हें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। उस आवाज को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया कपूर ने नाराज लगते हुए अपनी मैनेजर की तरफ देखकर कहा, ये लोग इतनी सारी चालें चलते हैं, आखिर ये लोग इस बार क्या करने वाले हैं? इन लोगों ने तो सारिका शुक्ला जैसी एक छोटी सी एक्ट्रेस को इस परफॉर्मेंस की फीमेल लीड बना दिया है, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर तो है? प्रिया कपूर को अचानक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उससे कोई चूक हो गई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या मिस कर रही थी। स्टेज पर डायलॉग कंटिन्यू होने लगा। धीरे से और बड़े आराम से रात के अंधेरे की खूबसूरती समझ में आने लगती है। उसे छू लो, उसे महसूस करो, ये काफी नरम और मीठा एहसास है। उस डायलॉग में क्रिस्टीन बहती चली गई और वो राहुल से किए अपने वादे को भूल गई और उस आवाज के पीछे पीछे चलती रही जिसकी वजह से उसने एक सीक्रेट दरवाजा खोल दिया। वो कहीं खोई हुई लग रही थी और वो धीरे धीरे सीक्रेट कमरे के अंडरग्राउंड की तरफ जाने लगी। ठीक उसी वक्त ऑडियंस में मौजूद सारे फैंस स्टोरी लाइन से काफी अट्रैक्टेड महसूस करने लगे। सबकी नजरें सारिका शुक्ला पर टिकी हुई थी और वो ये देखना चाहते थे कि कहानी के अंत में क्रिस्टीन को क्या पता चलने वाला था। उस डरावनी आवाज से डायलॉग कंटिन्यू हुआ। अपना दिमाग खोलो, इस अंधेरे में तुम खुद जानती हो कि तुम किसी से लड़ नहीं सकती। अंधेरे में तुम्हें रात की खूबसूरती और उसके मीठे सुरों का एहसास होगा। अपनी आंखें बंद करो, एक नई जिंदगी इस अजीब सी दुनिया में शुरू करो। ये सुनते हुए फाइनली क्रिस्टीन जिस दरवाजे के सामने खड़ी थी उसने उसे खोल दिया और उसने खुद को एक मिस्टीरियस किंगडम ऑफ डार्कनेस में पाया। ये देखते हुए ऑडियंस में बैठे लोगों की क्यूरियोसिटी भी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, मगर फिर अचानक एक खूबसूरत धुन के बीच में क्रिस्टीन बेहोश होकर गिर गई। क्रिस्टीन को बेहोश होते हुए देखकर ऑडियंस का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर एक काली परछाई स्टेज पर दिखाई दी जिसने क्रिस्टीन को अपनी बाहों में उठा लिया। उस परछाई ने एक इंग्लिश टेलर्ड कोट पहना हुआ था जिस पर एक फरी शॉल टंगी हुई थी और उसके चेहरे पर एक व्हाइट कलर का मास्क लगा हुआ था। उस मास्क की वजह से उस परछाई का सिर्फ आधा चेहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद खूबसूरत था। हालांकि वो फिगर काफी डिग्निफाइड लग रहा था मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफनाक रूप दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने बेहोश पड़ी हुई उस लड़की की तरफ देखा और उसकी आंखों में जलन दिखाई देने लगी और उसे पानी की इच्छा दिखाई देने लगी। उसकी ये फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो सब कुछ जलाकर राख करने के लिए भी तैयार था। ये देखकर ऑडियंस में मौजूद सारे लोग इतने ज्यादा शांत हो गए कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त रुक चुका था। इस पॉइंट पर प्रिया कपूर को फाइनली इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या भूल रही थी और उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, मगर उसे ये भी समझ में आया कि अब बहुत देर हो चुकी थी, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कुछ देर के सन्नाटे के बाद ऑडियंस में से सबकी चीखें सुनाई देने लगी, माही ब्रो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? किसी ने भी इस ट्विस्ट की उम्मीद नहीं की, यहां तक कि वो फैंस जिन्हें द फैंटम ऑफ द ऑपेरा की स्टोरी पता थी उन्होंने भी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की। इस शो में माही ने फीमेल लीड का रोल नहीं बल्कि उसने खुद फैंटम का रोल चुना था। लोगों ने अपनी माही ब्रो को एक लंबे अरसे से नहीं देखा था और इस पॉइंट पर लोगों के मन में वही एक्साइटमेंट थी जब उन्होंने माही को दोबारा एक साल के बाद ये दुनिया टीवी सीरीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर देखा था। वहीं दूसरी तरफ स्टेज के लेफ्ट साइड की बड़ी सी स्क्रीन पर माही के नाम के नीचे वोट्स का नंबर तेजी से बढ़ने लगा और ये देखकर कबीर ओबेरॉय की आंखें फटी की फटी रह गईं।
कबीर ने हैरान लगते हुए मन ही मन में कहा, डैम इट, ये सब क्या हो रहा है? माही ने तो सिर्फ अपनी आउटफिट बदली है ना, इसके अलावा तो उसने सिर्फ अपना आधा चेहरा रिवील किया है, इसमें इतना अमेजिंग क्या है? आखिर ये लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं? इन लोगों को तो मुझे देखना चाहिए, आज मैं कितना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा हूं, मैं उस माही से तो कहीं ज्यादा कूल लग रहा हूं, है ना? कबीर ओबेरॉय, जो कि स्टेज पर से मिसिंग फीमेल लीड को ढूंढ रहा था, उसे अब लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो वहां मौजूद ही नहीं था। अब ना ही सिर्फ उसकी ऑन स्क्रीन पार्टनर गायब हो चुकी थी, बल्कि ऑडियंस में बैठे सारे फैंस भी उसे इग्नोर कर रहे थे। इन सब चीजों से माही बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं लग रही थी और वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में घुसी हुई थी। फैंटम ने बड़े ध्यान से क्रिस्टीन को बेड पर लेटाया और अपनी लंबी उंगलियों से उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, इस दुनिया की मोह माया छोड़ दो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी इस धुन में खुद को पूरी तरह से डुबा दो, और फिर उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इस दुनिया ने तुम्हें इससे पहले जो कुछ भी सिखाया उसे पूरी तरह से भुला दो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी इस धुन में खुद को पूरी तरह से डुबा दो, और फिर उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। जब माही ने ये शब्द कहे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, ऑडियंस की चीख और तेजी से बढ़ने लगी, लोग चिल्लाना बंद ही नहीं कर रहे थे। फिर अगले ही पल में माही ने उस लड़की का हाथ उठाया और उसे अपने दिल पर रख दिया। फिर उसने अपनी नजरें झुकाई और अपने होठों को उस लड़की के होठों के करीब ले गई और उसने कहा, मेरे इस नशे में बह जाओ और खुद को मेरे प्यार में गिरा दो, मुझे छुओ, मुझ पर भरोसा करो और हर एक एहसास को महसूस करो। माही के हर एक डायलॉग से ऑडियंस में मौजूद हर एक इंसान पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ऑडियंस में बैठी लड़कियां चमकती हुई आंखों से स्टेज पर माही की परफॉर्मेंस देख रही थी और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सारी लड़कियां इस तरह शर्मा रही थी जैसे कि वो खुद क्रिस्टीन की जगह लेना चाहती थी और माही के होठों के किस को महसूस करना चाहती थी। जहां लड़कियों का ऐसा हाल था तो सारे लड़के भी इस बात को अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। सबके सब अचानक शर्माने लगे और ऐसे में उन्होंने खुद को फैंटम के रोल में नहीं बल्कि फीमेल लीड की जगह पर महसूस किया। ऑडियंस में बैठे सारे लड़के खुद को ये याद दिला रहे थे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट थे और वो बार बार अपनी चहेती आइडल को याद कर रहे थे ताकि उनकी ओरिएंटेशन ना बदल जाए। अंत में सब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी चहेती आइडल स्टेज पर खड़े फैंटम जैसी अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं थी, और फिर सब लोग समझ गए कि उनकी चहेती आइडल असल में कोई और नहीं बल्कि खुद माही सिन्हा ही थी। और अब माही को एक लड़के के रूप में देखकर उन्हें माही के उसी रूप से प्यार हो रहा था। माही की अपीयरेंस इतनी पावरफुल और इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि खौफनाक रूप में भी वो काफी डिग्निफाइड लग रही थी, और ये देखकर ऑडियंस में बैठे सारे लोग कांपने लगे। माही ने अपने दोनों लुक्स इस तरह प्रेजेंट किए जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मगर वो माही के साथ काफी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहे थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने कैरेक्टर को एक नई जिंदगी दे दी थी। फैंटम ने कुछ देर तक चुपचाप बेड पर लेटी उस लड़की की तरफ देखा और फिर उसने अपना जादू चलाते हुए कहा, एक सपना देखो, उसमें देखो कि तुम इसी दुनिया में बिलोंग करती हो। मैंने जो धुन तुम्हारे लिए बनाई है उसके पावर को महसूस करो, अंधेरी रात के धुन के पावर को महसूस करो। माही के चार्म और पावरफुल आवाज के साथ चाहे फैंस जो कि ऑडियंस में बैठकर इस परफॉर्मेंस को देख रहे थे या फिर जो लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर उस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे, दोनों लड़के और लड़कियां इस पल में माही के सामने अपना सर झुकाने लगे।
माही के डायलॉग बोलने का तरीका काफी अच्छा था। वो ओपरा के ट्रेडिशनल तरीके से अपना हर एक शब्द बयां कर रही थी और उसे मॉडर्न एलिमेंट के साथ ब्लेंड कर रही थी। हालांकि माही प्रोफेशनल आर्टिस्ट जितनी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर अपने एहसासों के साथ जिस तरह वो हर एक डायलॉग बोल रही थी, उसकी वजह से लोगों की नजरों में वो एक प्रोफेशनल ओपेरा आर्टिस्ट जैसी ही लग रही थी। उसने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपनी एक्टिंग स्किल्स को पूरी तरह से ब्लेंड कर दिया था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद जिस लो और होर्स आवाज में अपने डायलॉग वो बोल रही थी, उसमें एक मर्द और एक औरत की आवाज के बीच में बहुत हल्का सा फर्क था, मगर अपने खौफनाक आधे दिखाई देने वाले चेहरे के साथ वहां मौजूद हर एक इंसान पागल हो रहा था। जैसे ही ऑडियंस में बैठे सारे लोग माही से अपसेट हो रहे थे, तभी अचानक स्टेज पर सारी लाइट्स डिमली ऑन हो गईं। जब लाइट दोबारा चलने लगी तो लोगों ने देखा कि फैंटम स्टेज से गायब हो चुका था और क्रिस्टीन दोबारा अपने बेड पर इस तरह लेटी हुई थी जैसे कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। शुरुआत में बैकग्राउंड म्यूजिक को ज्यादा अटेंशन नहीं मिली और ऑडियंस ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, मगर इस पल में सब लोग म्यूजिक पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे और बेसब्री से अगले सीन का इंतजार कर रहे थे। सारे टेलीविजन चैनल पर एक साथ इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया गया और व्यूअर की रेटिंग्स तेजी से बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि आज रात को नाइट ऑफ स्टारलाइट का रिकॉर्ड टूटने वाला था। नाइट ऑफ स्टारलाइट के लाइव स्ट्रीमिंग ही ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम वेबसाइट पर सबसे पॉपुलर हो चुकी थी और टॉप स्पॉट पर पहुंच चुकी थी। कुछ देर के बाद ये दिखाया जा रहा था कि क्रिस्टीन और फैंटम किस तरह पहले टीचर और स्टूडेंट हुआ करते थे और फिर वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। फैंटम चुपके से क्रिस्टीन को गाना गाना सिखाया करता था। इनफैक्ट क्रिस्टीन की खातिर उसने अपनी सारी हद पार कर ली। उसने लोगों को चोट पहुंचाकर क्रिस्टीन को आगे बढ़ने दिया और उसे फीमेल लीड की पोजीशन दिलवाई, मगर फैंटम की बदकिस्मती से ये सब कुछ क्रिस्टीन के डर की वजह से गायब हो गया। एक तरफ वो और राहुल एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर हुए इंसिडेंट के बाद सबकी घबराहट के बीच क्रिस्टीन और राहुल चुपके से वहां से गायब हो गए और वो क्रिस्टीन को अपने साथ छत पे ले गया। वहां से निकलने के बाद क्रिस्टीन ने राहुल को अपने एनकाउंटर के बारे में बताया और राहुल ने क्रिस्टीन को ये बताया कि वो उससे प्यार करता था और इस प्यार को उसने कई सालों से दबा रखा था। उसके बाद वो दोनों आपस में एक गाना गाने लगे और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करने लगे। फैंटम ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और जब उसने देखा कि राहुल क्रिस्टीन को कितना प्यार करता था तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इसके अलावा जब उसने देखा कि किस तरह क्रिस्टीन ने उसे धोखा दिया तो उसने उन दोनों को श्राप देने का फैसला किया। फाइनली क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाया तो गुस्से में उसने उन दोनों को श्राप दिया और उनके अगले सीन के दौरान फैंटम ने अपना गुस्सा और नाराजगी जताते हुए एक बड़ा सा झूमर क्रिस्टीन के ऊपर गिरा दिया। जब प्लॉट लाइन इस बात तक पहुंची वो स्टोरी लाइन का दूसरा सीन दिखाने लगे। 6 महीने बीत चुके थे। जिस फैंटम की वजह से सब लोग घबराने लगे थे वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। झूमर को फिक्स कर लिया गया था और थिएटर ग्रुप में एक बॉल डांस ऑर्गेनाइज किया गया ताकि वो इस नई शुरुआत को सेलिब्रेट कर सकें। उस रात जिस दिन झूमर गिरा था क्रिस्टीन किसी तरह से बच गई थी। राहुल और क्रिस्टीन ने चुपके से शादी कर ली थी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ में डांस कर रहे थे। ऐसे खुशहाल माहौल के बीच अचानक एक कैरेक्टर स्टेज पर अपीयर हुआ जिसने एक लाल कलर का मास्क पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक एक्सप्रेशन था जिसे देखकर सब घबराने लगे थे। वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि फैंटम था जिसने पिछले 6 महीनों में खुद को छुपा कर रखा था। फैंटम के अरेंजमेंट की वजह से उसने खुद को किसी और का रूप दे दिया था जिसकी वजह से उसे क्रिस्टीन के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला।
माही अब एक बार फिर से ऑडियंस के सामने अपने रेड कलर के कपड़ों में अपीयर हुई, जहां वो चार्मिंग के साथ साथ काफी खौफनाक भी लग रही थी। और ये देखकर लाइव स्ट्रीम वेबसाइट पर कई सारे कमेंट्स दिखने लगे और लोग अपने पागलपन को छुपा नहीं पा रहे थे। स्टेज पर खड़े फैंटम ने फिर एक गाना गाने के बाद अपना डायलॉग कहा, अपने सारे बंधनों को तोड़ दो, अब पूरी तरह से मेरी हो जाओ, इसके बाद तुम दोबारा कभी नहीं लौट पाओगी। ऐसे सपनों को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने सपनों में सिर्फ मुझे देखो, अपने तन मन में आग भर दो, हम दोनों के बीच ये कैसा प्यार है। फैंटम के ऐसे डायलॉग सुनकर फैंस जो ऑफ स्टेज बैठे थे वो एक्साइटमेंट के मारे पागल हो रहे थे और उन्होंने कमेंट करते हुए कहा, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो माही ब्रो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मेरा तन, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। माही ने अपना डायलॉग कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं यहाँ वापस लौट आया हूँ, वापस आने की वजह मैं बिल्कुल नहीं जानता, अपने मन में मैंने पहले ही सोच लिया है कि किस तरह हम दोनों एक हो जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद से, इस पल के बाद से कुछ भी नहीं बदलेगा। माही का ये डायलॉग सुनने के बाद ऑफ स्टेज बैठे सारे एक्साइटेड फैंस और तेजी से चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, माही तो एक हो जाने की बातें कर रही है, काश वो मुझे देखकर मुझे चुन लेती। माही ने अपना डायलॉग कंटिन्यू करते हुए कहा, आज फाइनली हमारे प्यार का खेल शुरू होता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या गलत था या फिर क्या सही, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर हम दोनों के एक होने में मुझे और कितना इंतजार करना होगा, आखिर तुम्हारा खून कब गर्म होगा, आखिर कब हम दोनों इस प्यार की गर्मी में डूब जाएंगे। ऑनलाइन व्यूअर्स भी इस शो के लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हुए कमेंट करने लगे और उन्होंने लिखा, मैं तो अभी इसी वक्त माही ब्रो के प्यार में डूब जाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ डुबा लो माही ब्रो, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। माही ने अपना डायलॉग कंटिन्यू करते हुए कहा, कहो कि तुम मेरे साथ ये प्यार, ये जिंदगी बिताओगी, मेरे साथ रहो और मुझे इस अकेलेपन से बचाओ, जहां कहीं भी तुम जाओ मुझे भी अपने साथ ले चलो। जब तक माही का डायलॉग पूरा हुआ, ऑडियंस में बैठे हर एक इंसान को क्रिस्टीन के लिए फैंटम के पैशनेट होपलेस प्यार का एहसास हुआ। सबको इस बात का एहसास हुआ कि घबराहट महसूस करने के बावजूद भी और कई सारे गलत फैसले लेने के बाद भी लोग उसके लिए बुरा महसूस कर रहे थे और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लोग ये देख पा रहे थे कि फैंटम के लिए वो फीमेल लीड ही उसका सब कुछ थी, वही उसकी जान थी। सच तो ये था कि असलियत में क्रिस्टीन राहुल के साथ साथ फैंटम से भी प्यार करने लगी थी। अच्छे और बुरे के बीच वो खुद को खोने लगी थी और उसका मन डगमगाने लगा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि फैंटम बहुत खतरनाक था और वो अंधेरी दुनिया का हिस्सा था, मगर इसके बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं पाई और फैंटम के करीब जाने लगी। बड़े से स्टेज के बीचों बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब जाने लगे और फाइनली उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हालांकि सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इन दोनों लोगों को एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए, मगर अंत में वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने से खुद को रोक भी नहीं पाए। फिर अचानक फैंटम क्रिस्टीन के लिए वो गाना गाने लगा जो उसने राहुल का हाथ पकड़कर उसके साथ गाया था। उस गाने को सुनकर क्रिस्टीन अचानक अपने होश में लौट आई और उसने फैंटम को पहचान लिया। जब फीमेल लीड ने फैंटम का मास्क उतारा तो उसने उसकी असली आइडेंटिटी देखी। ऐसे में सब लोगों को तसल्ली नहीं हुई बल्कि उनके दिल की धड़कन रुक गई।
स्टेज पर फैंटम ने क्रिस्टीन की दया भरी आंखों को अवॉइड किया, क्योंकि मास्क के पीछे फैंटम का खौफनाक चेहरा दिखाई दे रहा था, और देखते ही देखते उसका ये घिनौना चेहरा उस औरत के सामने एक्सपोज हो गया जिससे वो बेहद प्यार करता था। ये देखकर ऑडियंस और फैंस के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरने लगा, क्योंकि इस वक्त हर एक की अटेंशन स्टेज पर थी, तो इसीलिए किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि माही सिन्हा के वोट्स धीरे धीरे करके प्रिया कपूर के वोट की बराबरी पर आ रहे थे। हालांकि शुरुआत में सब लोगों के वोट सूख चुके थे, मगर ऐसे कई सारे लोग थे जिन्हें लास्ट मिनट पर वोट करना अच्छा लगता था, और इसके अलावा टॉप पर पहुंचने की जिद की वजह से सब लोगों ने अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, यहां तक कि स्ट्रेंजर से भी वोट लेने की कोशिश की। ऐसे में काबिलियत होने पर लोगों के फोर्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। फाइनली फैंटम अपने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खो चुका था, और वो क्रिस्टीन को अपने अंडरग्राउंड एरिया पर ले गया। फैंटम ने उदास लगते हुए कांपती आवाज में क्रिस्टीन से कहा, क्यों, आखिर क्यों मेरे ही साथ ये सब कुछ होना था? सिर्फ क्योंकि मेरा चेहरा इतना डरावना है? मेरी मां ने भी कभी एक नजर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। आखिर क्यों इस दुनिया ने मेरे साथ इतने जुल्म किए? फैंटम की बात सुनकर क्रिस्टीन ने काफी इमोशनल लगते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। इसमें दुनिया वालों की कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है कि तुमने अपने इंस्पिरेशन को कैद करके रखा था। अपना मकसद हासिल करने के लिए तुमने कई सारे मासूम लोगों की भी जान ले ली। तुमने कई सारे लोगों का प्यार छीना। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी मदद की, मगर मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मैं तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं करती। जब फैंटम ने अपने प्यार के मुंह से ये सुना कि वो उससे नफरत करती थी, तो माही का अग्रेशन और रिजेंटफुल एक्सप्रेशन एक ही पल में पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो चुपचाप अपनी जगह पर इस तरह खड़ी रही जैसे कि उसके जीने का और किसी और चीज का कोई मतलब ही नहीं रहा। इस सीन को देखकर ऑडियंस में मौजूद सारे लोगों ने अपनी पीठ सीधी कर ली और अपनी सांसें थामकर काफी परेशान लगते हुए स्टेज की तरफ देख रहे थे। ठीक इसी पल में राहुल स्टेज पर दिखाई दिया। कबीर ओबेरॉय काफी प्रोफेशनल था, तो इसीलिए उसने तेज आवाज में कहा, फैंटम, प्लीज मेरी क्रिस्टीन को जाने दो। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे में जब फैंटम ने अपने सामने उस आदमी को देखा जिसने उससे उसका प्यार छीना था, तो वो दोबारा अपना होश खोने लगा और उसने एक खास मैजिकल फंदे से राहुल का गला दबा दिया। ये देखकर क्रिस्टीन घबराहट के मारे चिल्लाने लगी और उसने कहा, अरे प्लीज ऐसा मत करो। फैंटम क्रिस्टीन की तरफ देखने लगा जो घबराहट के मारे रोई जा रही थी, और उसने क्रिस्टीन के सामने दो रास्ते रखते हुए उससे कहा, अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। राहुल की जिंदगी के बदले में अपनी आजादी ले लो। इससे राहुल की मौत हो जाएगी मगर मैं तुम्हें जाने दूंगा, या फिर तुम शादी का जोड़ा पहन लो और राहुल की जिंदगी बचाने के बदले में मेरी दुल्हन बन जाओ। राहुल क्रिस्टीन से बहुत प्यार करता था, तो जब उसने फैंटम की कही ये बात सुनी, उसने बिना हिचकिचाए क्रिस्टीन से कहा, क्रिस्टीन प्लीज इसकी बात मत सुनना। इस शैतान से कभी शादी मत करना। मेरी जान बचाने के लिए अगर तुमने इस राक्षस से शादी कर ली तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। इस पॉइंट पर ऑफ स्टेज बैठे ऑडियंस के लोग और लाइव स्ट्रीम देख रहे सारे फैंस यही सोच रहे थे कि फीमेल लीड को और इंतजार नहीं करना चाहिए और उसे फैंटम से तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। ऑडियंस में बैठे लोगों ने चीयर करते हुए कहा, अरे फैंटम से शादी कर लो, उससे शादी कर लो। क्रिस्टीन, अगर तुमने फैंटम से शादी नहीं की तो उसे मेरे पास भेज दो, मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। जब कबीर ओबेरॉय ने ऑडियंस की कही ऐसी बातें सुनी तो उसका दिल बुरी तरह से दुखने लगा और उसने मन ही मन में कहा, क्या आजकल की लड़कियां इस तरह के बदसूरत और पागल लड़कों को पसंद करने लगी हैं? ब्लडी हेल, क्या तुम लोग सच में मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो?
आखिर तुम लोगों की इंसानियत कहां गई? फाइनली आखिर ये होपलेस सिचुएशन रिजॉल्व कैसे होने वाली है? जो आउटडेटेड म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा था वो इस पॉइंट पर सबके जहन में गूंज रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस में बैठे जिन लोगों को स्टोरी लाइन के बारे में पता था और होने वाले अगले सीन के बारे में पता था, वो बाकी लोगों से और भी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो जानते थे कि जल्द ही परफॉर्मेंस के बीच एक किसिंग सीन होने वाला था और बहुत सारे लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। फैंटम के ऑफर किए गए रास्तों को देखकर क्रिस्टीन एक अजीब से दर्दनाक कश्मकश में पड़ गई। एट लास्ट वो किसी भी हाल में अपने प्यार राहुल को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती थी। उसकी नजरें जो कुछ देर पहले काफी लाचार लग रही थी वो अचानक डिटरमिंड लगने लगी और उसने हिम्मत जुटाकर फैंटम से अपनी नजरें मिलाई। वो फैंटम से ये कहना चाहती थी कि उसके प्यार में इतनी ताकत है कि अंत में भगवान भी उसके आगे अपने घुटने टेक लेगा। मगर अगले ही पल में क्रिस्टीन ने एक गहरी सांस लेते हुए फैंटम की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाए और बिना कुछ कहे उसने फैंटम को डीपली किस किया। हालांकि सारिका शुक्ला ने माही को वाकई में किस नहीं किया था, बल्कि सिर्फ ऐसी पोजीशन क्रिएट की जिससे ऑडियंस में बैठे लोगों को ऐसा लगा कि वो वाकई में किस कर रहे थे। मगर माही के इतने करीब रहते हुए सारिका का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसका दिल फटने वाला था। उसने अपने अंदर की प्रोफेशनलिज्म को पूरी तरह से इस्तेमाल किया और किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया। जैसे ही माही को किस किया गया, वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से पागल हो गया। वहां का माहौल पागलपन की नई लेवल को छू रहा था। वहीं दूसरी तरफ इवेंट की रेटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग चैनल की पॉपुलैरिटी सारे पिछले पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही थी। सिर्फ एक छोटी सी परफॉर्मेंस के साथ ऑन स्क्रीन दिखाए जा रहे माही के वोट्स एकदम से प्रिया कपूर की बराबरी पर आ चुके थे। जब फैंटम को इस तरह अचानक से क्रिस्टीन ने किस किया तो उसके चेहरे का वाइल्ड और खतरनाक एक्सप्रेशन अचानक ब्लेंड पड़ गया। उसके चेहरे पर जो खौफनाक और डरावना एक्सप्रेशन छाया हुआ था वो इस पॉइंट पर काफी क्यूट लगने लगा था। क्रिस्टीन की किस काफी मीनिंगफुल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिस्टीन ने फैंटम को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को छू लिया था। अब जाकर फाइनली फैंटम को क्रिस्टीन के अनकंडीशनल प्यार का एहसास हुआ। इस आखिरी पल में उस किस की वजह से फैंटम को फाइनली इस बात का एहसास हुआ कि असली प्यार का मतलब कैद करना या फिर हासिल करना नहीं था। फैंटम ने कुछ कदम पीछे लिए और उसने क्रिस्टीन की नजरों को अवॉइड किया और इसके साथ ही साथ उसने राहुल के गले से उस फांसी के फंदे को भी हटा लिया। कुछ देर के बाद फैंटम ने अपना हाथ उठाया और उसने क्रिस्टीन और राहुल को वहां से जाने का इशारा किया। ये देखकर हैरानी के मारे क्रिस्टीन और राहुल एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। अंत में क्रिस्टीन फैंटम के पास गई और उसने उसे वो अंगूठी लौटा दी जो फैंटम ने उसे दी थी। फैंटम ने अपने हाथ की तरफ देखा और उसे धीरे से बंद कर लिया। उसकी मुट्ठी में उसकी अंगूठी रखी हुई थी और फिर धीरे धीरे से वो आगे बढ़कर स्टेज पर रखे थ्रोन पर अकेले बैठ गया। उसने उन दोनों प्यार करने वालों को जाते हुए देखा और उसने अपने आप से ही कहा, तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूं। ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे छोड़कर चली गई? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूं मगर सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या ये सब मेरी गलती है या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक खेल है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अगर बात एक दिन की भी होती तब भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम वापस लौट आओ। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं मगर क्योंकि मैंने तुम्हें जाने दिया
तो इसीलिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे ही माही ने अपना डायलॉग पूरा किया तो बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे फेड होने लगा और स्टेज पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। इस आखिरी सीन को देखते हुए सबकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और सबकी सांसें रुक गई थी। उसके बाद ये दिखाया गया कि कई सालों के बाद क्रिस्टीन की मौत हो गई और जब राहुल उससे मिलने उसकी कब्र पर गया तो उसने देखा कि वहां पर एक काला गुलाब टंगा हुआ था जो उसकी कब्र पर बांधा गया था। और फिर कहानी खत्म हो गई। परफॉर्मेंस के अंत तक ऑडियंस पूरी तरह से स्टोरी लाइन में डूबी हुई थी और वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर के बाद लोगों की तालियों की गूंज सुनाई देने लगी और काफी देर तक लोग ताली बजाते रहे। थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद होस्ट दोबारा स्टेज पर आया और उसने कहा, यह सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था। माही सिन्हा और कबीर ओबेरॉय ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया। इसके अलावा हमारी प्यारी फीमेल लीड सारिका शुक्ला ने भी हमें हैरान कर दिया। मैं तो इस कहानी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे तीनों लीड यहाँ स्टेज पर आ जाएं। होस्ट की एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनकर सारिका शुक्ला और कबीर ओबेरॉय एक के बाद एक स्टेज पर आकर खड़े हो गए और उन दोनों ने अभी भी अपने स्टेज की ही आउटफिट पहनी हुई थी। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सारिका शुक्ला ने जो कोई भी आउटफिट पहनी हुई थी वो बेहद खूबसूरत थी और उसके चेहरे को बेहद खूबसूरती से सूट कर रही थी। एक बोनस पॉइंट ये था कि उसकी परफॉर्मेंस के दौरान दो फेमस आर्टिस्ट माही सिन्हा और कबीर ओबेरॉय के होने के बावजूद भी वो काफी कैजुअल बर्ताव कर रही थी और उसकी वजह से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो पूरा हुआ। इसकी वजह से लोगों के मन में सारिका शुक्ला को लेकर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट हुआ। कई सारे लोग तो इंटरनेट पर उसे सर्च भी करने लग गए थे। और रही बात आज के कबीर ओबेरॉय के रोल की, तो अगर फैंटम काले साए का शहजादा था तो राहुल एक फरिश्ता था। राहुल काफी रॉयल था मगर इसके बावजूद भी उसे अपने बचपन के दोस्त से प्यार हो गया जो बिन माँ बाप की बच्ची थी और ओपेरा हाउस में ही बड़ी हुई। राहुल को उससे प्यार हुआ और उसने चुपके से उसे प्रपोज किया था। इसके अलावा वो उसके पीछे पीछे उस काली दुनिया में भी गया और अपनी सेफ्टी की परवाह किए बिना उसे वहां से बचा कर आया। और अंत में भी जिंदगी और मौत के बीच लटकते हुए उसने क्रिस्टीन से कहा कि वो किसी भी हाल में राहुल की जिंदगी के बदले में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। हालांकि फैंटम क्रिस्टीन के पीछे पागल था मगर राहुल क्रिस्टीन की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। परफॉर्मेंस के दोनों मेल लीड्स वाकई में काफी बेहतरीन थे और इसीलिए चूज करना काफी मुश्किल हो गया था। कबीर ओबेरॉय के इस कैरेक्टर की वजह से उसे कई सारे नए फैंस भी मिल गए। माही सिन्हा की परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग थी। हालांकि उसने सिर्फ अपना आधा चेहरा रिवील किया था मगर सब उसकी परफॉर्मेंस और उसकी एक्टिंग के पीछे पागल हो गए। ये सिचुएशन सबके लिए काफी फायदेमंद रही। माही के आधे डिसफिगर्ड चेहरे का मेकअप लगाने में काफी वक्त लग गया था तो इसीलिए उसे निकालने का प्रोसेस भी काफी ट्रबलसम था। कबीर ओबेरॉय और सारिका शुक्ला के स्टेज पर जाने के कुछ देर के बाद ही माही स्टेज पर गई। माही ने अभी भी अपनी वही स्टेज आउटफिट पहनी हुई थी मगर उसने शॉल और मास्क हटा लिया था। स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप का क्लीनअप हो जाने के बाद ऑडियंस के सामने एक बार फिर से एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। माही को मेल आउटफिट में देखकर ऑडियंस में मौजूद सारे लोग एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगे, माही ब्रो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब माही ने देखा कि किस तरह उसे देखकर उसके सारे फैंस पैशनेट महसूस कर रहे थे तो उसने होस्ट के हाथों से माइक लिया और उसने बड़ी नरम आवाज में कहा, थैंक यू एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। माही के ये चार सिंपल शब्द लोगों के मन में और ज्यादा पैशन जगाने के लिए काफी थे। अब लोग बार बार माही के कहे वो शब्द दोहराने लगे, माही ब्रो लॉन्ग टाइम नो सी, हमने तुम्हारे मेल वर्जन को भी बहुत मिस किया। माही ब्रो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तो तुम्हारी वजह से कई सालों तक एक लड़का भी नहीं पटाया है,
अफलातून फिल्म का क्रेज खत्म होने के बाद माही वाकई में मेल आउटफिट में एक लंबे अरसे तक लोगों के सामने नहीं आई थी। जब भी माही मेल आउटफिट में सबके सामने आती थी तो ऐसा लगता था कि उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी सबके सामने आ जाया करती थी। वो पूरी तरह से एक अलग इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी और जो वाइब माही एग्जीक्यूट करती थी वो हर बार काफी फ्रेश और नया लगता था। यही वजह थी कि जब भी फैंस माही को मेल आउटफिट के अवतार में देखते थे तो वो काफी एक्साइटेड हो जाया करते थे। जैसे ही माही ने स्टेज पर खड़े होकर लॉन्ग टाइम नो सी शब्द कहे तो स्टेज के लेफ्ट साइड की स्क्रीन पर पॉल की रेटिंग का डिस्प्ले एकदम से बदलने लगा। देखते ही देखते माही की रैंकिंग प्रिया कपूर के स्पॉट को पार कर गई और उसके नंबर ऑफ वोट्स बढ़ते ही जा रहे थे। प्रिया कपूर और उसकी मैनेजर पल पल में रैंकिंग को चेक कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि माही सिन्हा का नाम उनसे आगे निकल चुका था तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। ये देखकर प्रिया कपूर थोड़ी सी घबरा गई और काफी देर तक काम डाउन करने की कोशिश करने के बाद भी वो स्क्रीन पर नंबर ऑफ वोट देखकर और ज्यादा पैनिक करने लगी और उसने अपनी मैनेजर की तरफ देखकर कहा, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? हमारे पास माही से 3 गुना ज्यादा वोट थे और इसके बावजूद भी उसने हमें ओवरटेक कर लिया। क्या पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर ने कोई कंटिंजेंसी प्लान तैयार नहीं किया? इस पॉइंट पर प्रिया कपूर की मैनेजर भी काफी नर्वस लग रही थी और उसने कहा, पहले तो हमने काफी स्ट्रॉन्ग शुरुआत की, इसीलिए इस वक्त हमारे पास काफी सारे वोट्स नहीं हैं और ऐसे में और ज्यादा वोट्स को इकट्ठा करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। डैम इट, उस रतन के बच्चे ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, ये तो सरासर धोखा है। बात यहाँ फीमेल स्टार रैंकिंग की हो रही है, आखिर ये माही क्या कर रही है? ये तो रूल्स के खिलाफ है। मैं इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ।